वेलकम फ्रेंड्स, हाजिर है एक बार फिर आपके अपने प्रोफेसर सुनील अग्रवाल जी एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। दोस्तों, ये तो आप सभी को मालूम है दैट कंपनी अपने फाइनेंस को रेज करने के लिए बहुत से सोर्सेस का इस्तेमाल करती है, और एक महत्वपूर्ण सोर्स जिस सोर्स से कंपनी अपने फंड्स को रेज करती है उस महत्वपूर्ण सोर्स का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। वैसे तो कंपनी के पास तीन विकल्प हैं, जिन विकल्पों का अनुसरण करते हुए कंपनी पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है। तो इसमें सबसे पहले कंपनी जो पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू सपोज 10 रुपये है और कंपनी 10 रुपये में ही पब्लिक को वो शेयर ऑफर कर रही है, सो दिस इज कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स एट पार। सिमिलरली सेकेंड विकल्प जो कंपनी के पास अवेलेबल होता है वो है इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है इश्यू ऑफ शेयर्स एट ए रेट हायर देन इट्स फेस वैल्यू। नो फॉर एग्जांपल, अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी उसको 12 रुपये में इशू कर रही है, तो इसका मतलब ये है दैट कंपनी इज चार्जिंग प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। और तीसरा विकल्प जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे वो है इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। इससे पहले कि हम इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट की विस्तार पूर्वक चर्चा करें, हमारे सामने कुछ प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का उत्तर हम इस टॉपिक के अंदर आज की चर्चा के अंदर ढूंढेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा हमारे सामने ये है कि क्या कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती। सेकेंडली, हमारे सामने एक प्रश्न जो है वो ये है कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट एट विच द कंपनी कैन इशू शेयर्स। भी ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी कितने डिस्काउंट के ऊपर अपने शेयर को पब्लिक को ऑफर कर सकती है। एंड थर्डली, हमें यह भी देखना है दैट व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच ए कंपनी हैज़ टू फॉलो इन ऑर्डर टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। यानी वे अगर कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना है तो कंपनी को कौन से प्रोविजंस को, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा अगर कंपनी ने अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना है। तो आइए सबसे पहले हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो है वी व्हाट यू मीन बाय इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। दोस्तों, When a company issue its shares at a price less than its face value, भी अगर कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम कीमत के ऊपर पब्लिक को ऑफर करती है तो इट मीन्स द कंपनी इज इशूइंग शेयर एट डिस्काउंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया है और कंपनी उसी शेयर को पब्लिक को 90 रुपये में इशू कर रही है, उस शेयर की ऑफर प्राइस 90 रुपये प्रति शेयर है, तो इसका मतलब कंपनी शेयर्स को 10 रुपये के डिस्काउंट के ऊपर इशू कर रही है। अगर कंपनी फेस वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है तो
तो जितनी कम कीमत के ऊपर पब्लिक को शेयर ऑफर किया जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट। बेसिकली डिस्काउंट इज नथिंग बट ए लॉस टू द कंपनी। वन मस्ट रिमेंबर दैट द इश्यू ऑफ शेयर्स बिलो द मार्केट प्राइस इज नॉट इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। भी अगर शेयर्स को मार्केट प्राइस से कम प्राइस के ऊपर इशू किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया है। कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर तभी माना जाएगा जब कंपनी शेयर को फेस वैल्यू से कम वैल्यू के ऊपर इसको इशू करती है। सो जितनी कम वैल्यू के ऊपर फेस वैल्यू से जितनी कम कीमत के ऊपर कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है उस घटी हुई कीमत को हम डिस्काउंट कहते हैं। और जब यहाँ तक इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का प्रश्न है तो कंपनी एक सेपरेट अकाउंट खोलेगी एंड दैट अकाउंट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। और जितना भी कंपनी डिस्काउंट के ऊपर शेयर्स को इशू करेगी उस डिस्काउंट को हम इस अकाउंट में डेबिट करेंगे। यानी डिस्काउंट विल बी डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। तो आइए अब हम बात करते हैं व्हाट आर द कंडीशंस और व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच ए कंपनी हैज टू फॉलो, जो कंपनी को फॉलो करनी पड़ेंगी इन ऑर्डर टू इश्यू शेयर्स एट डिस्काउंट। What are the conditions? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं। तो इसमें सबसे पहला जो रूल कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा दैट इन ऑर्डर टू इशू शेयर एट ए प्राइस लेस देन इट्स फेस वैल्यू, भी अगर कंपनी ने फेस वैल्यू से कम प्राइस के ऊपर शेयर को इशू करना है द कंपनी हैज़ टू गेट परमिशन फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटी। कंपनी को इसके लिए रेलेवेंट अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा दैट रेलेवेंट अथॉरिटी इज द कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेने के बाद और कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेने के लिए कंपनी शुड कॉल ए जनरल मीटिंग एंड डिस्कस द मैटर इन द जनरल मीटिंग एंड ऑथराइज द मैटर इन द जनरल मीटिंग। मतलब शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने के लिए कंपनी को ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी अपनी जनरल मीटिंग में। जब तक कंपनी जनरल मीटिंग में शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की परमिशन नहीं लेती तब तक कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे ऊपर इशू नहीं कर सकती। सेकेंडली देर इज़ ए कैप ऑन द रेट ऑफ डिस्काउंट। भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने डिस्काउंट के ऊपर कंपनी शेयर को इशू कर सकती है। ए कंपनी कैन नॉट इशू एनी शेयर एट मोर देन 10% डिस्काउंट। सो ज़्यादा से ज़्यादा जितने डिस्काउंट के ऊपर कंपनी शेयर इशू कर सकती है वो 10% डिस्काउंट है। मतलब भी अगर सपोज कंपनी के एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपया है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये का डिस्काउंट के ऊपर ही कंपनी शेयर इशू कर सकती है। दैट इज मैक्सिमम रेट ऑफ डिस्काउंट अलाउबल इज 10%। थर्ड रूल द कंपनी शुड इशू शेयर्स within 60 days of receiving permission from the relevant authority. भाई relevant authority से permission लेने के बाद company को 60 दिन के अंदर अंदर shares public को issue करने पड़ेंगे अगर company shares को discount के ऊपर issue कर रही है। However, in certain cases, the company can extend this time after getting permission। कुछ है केसेस में
60 दिन के पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए द कंपनी हैज़ टू गेट अगेन परमिशन फ्रॉम द कंपनी लॉ बोर्ड। फोर्थ रूल्स एंड रेगुलेशन इज द कंपनी कैनॉट इशू दीज शेयर्स बिफोर पासिंग ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, भाई जिस तारीख को कंपनी ने अपने बिजनेस को शुरू किया, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उस तारीख के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती। मतलब कम से कम 1 साल के बाद फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस द कंपनी कैन ओनली इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। मतलब डिस्काउंट के ऊपर अगर कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो 1 साल के बाद ही, जिस तारीख को कंपनी ने बिजनेस कमेंस किया उसके 1 साल के बाद ही कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है। द नेक्स्ट प्रोविजन इज दैट द शेयर मस्ट बिलोंग टू द सेम क्लास ऑफ शेयर्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। भाई जो शेयर्स कंपनी डिस्काउंट के ऊपर इशू करने जा रही है वो शेयर उसी क्लास ऑफ शेयर्स को बिलोंग करते हैं जिस क्लास ऑफ शेयर्स को कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में इशू कर रखा है। इफ दिस शेयर हैज़ बीन प्रीवियसली इशूड देन, अगर कंपनी ने इक्विटी शेयर्स को पहले से मार्केट में इशू किया हुआ है और अगर कंपनी फर्दर अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना चाहती है तो कंपनी उसी क्लास ऑफ शेयर्स को ही डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकती है, किसी और क्लासेस ऑफ शेयर्स को कंपनी डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती। एंड द सिक्स्थ वन दैट कंपनी ने अगर अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना है देन द कंपनी हैज़ टू अक्वायर सेंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करने की सेंक्शन भी लेनी पड़ेगी और आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द जनरल मीटिंग। सो कंपनी को पहले जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेने के बाद कंपनी हैज़ टू गेट सेंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट से कंपनी को परमिशन लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट भी, अगर कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना चाहती है। एंड पॉइंट इज टू बी नोटेड हेयर दैट इन केस ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ सिक्स इंडस्ट्रीज भी, अगर हमारी सिक इंडस्ट्रीज की रिहेबिलिटेशन की बात चल रही है या अगर शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर सिख इंडस्ट्री ने इशू करना है तो उस सिख इंडस्ट्री को परमिशन लेनी पड़ेगी। द सिख इंडस्ट्री हैज़ टू टेक परमिशन फ्रॉम द ट्रिब्यूनल रादर देन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की बजाय सिख इंडस्ट्री को ट्रिब्यूनल से परमिशन लेनी पड़ेगी। सो दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच वी हैव टू फॉलो अगर कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना है। तो एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करा देता हूँ दैट अगर कंपनी ने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना है, नंबर वन कंपनी हैज़ टू होल्ड ए जनरल मीटिंग, कंपनी हैज़ टू गेट ऑथराइजेशन इन द जनरल मीटिंग टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट। After getting authorization in the general meeting, the company has to get permission from the relevant authority, that is from the company law board, to issue shares at discount. Similarly, second one is the maximum rate of discount is 10% of the face value of shares. And third one is that company ko 60 din ke andar andar
शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करना पड़ेगा आफ्टर गेटिंग परमिशन फ्रॉम द रेलिवेंट अथॉरिटी एंड कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक साल के बाद ही शेयर्स को एट डिस्काउंट इशू कर सकती है. सिमिलरली द शेयर्स जिन शेयर्स को कंपनी ने डिस्काउंट के ऊपर इशू करना है वो शेयर्स सेम क्लास के शेयर होने चाहिए जो शेयर्स कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट में इशू कर रखे हैं. एंड सिमिलरली द कंपनी हैज़ टू गेट सेंक्शन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग से अप्रूवल लेने के बाद कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सेंक्शन लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. सो ये थे प्रोविजंस रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. दोस्तों अब हम बात करेंगे दैट व्हाट आर द जर्नल एंट्रीज व्हिच विल बी पास्ड अपॉन व्हेन ए कंपनी इशू शेयर्स एट डिस्काउंट. जर्नली द शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. मतलब डिस्काउंट की एंट्री हम उसी वक्त करेंगे जब कंपनी शेयर्स की अलॉटमेंट करेगी. सो बाकी एंट्रीज तो सभी सेम रहेंगी. देर आर सर्टन एंट्रीज जहाँ पे डिस्काउंट की ट्रीटमेंट की जाएगी. सो फर्स्ट एंट्री कब होगी? फर्स्ट एंट्री विल बी एट द टाइम व्हेन द शेयर अलॉटमेंट विल बिकम ड्यू. तो जैसे सब आप सबको पता है कि अलॉटमेंट के ऊपर जो एंट्री होती है दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. लेकिन यहाँ पे क्योंकि शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू किया गया है तो अलॉटमेंट मनी ड्यू होने के वक्त जो हम एंट्री करेंगे वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. जैसे मैंने पहले बताया था डिस्काउंट को भी डेबिट किया जाएगा. सो ए सेपरेट अकाउंट विल बी ओपन्ड एंड दैट अकाउंट इज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. तो एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सिमिलरली सेकेंड एंट्री हम करेंगे व्हेन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी विल बी रिसीव्ड. सो द एंट्री विल बी व्हेन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट मनी विल बी रिसीव्ड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. जब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. एंड द थर्ड वन वी हैव टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड दैट डिस्काउंट विल बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट और फ्रॉम द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. सो वी विल पास ऑन द एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दैट व्हाट यू मीन बाई issue of shares at discount, what are the rules and regulations regarding issue of shares at discount, and what are the journal entries which will be passed on in order to issue shares at discount. Thank you very much, dosto. Thank you very much.